हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी विद सीजा पार्ट 1 अकेडमी। तो आज फिर से शाम 5 बजे हम लोग जुड़े हैं, जहां टारगेट हमारा है 2000 प्लस पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसके जरिए हम क्रैक करने वाले एमटीएस और जीडी। तो क्लास शुरू करने के पहले जरा सा मैं विजिबल हूं या नॉट, चलो बिल्कुल बिल्कुल मेरी आवाज भी पहुंच रही है, सब कुछ सही है ना। तो आज देखने वाले माय डियर फिर से वो 40 सवाल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल शाम को 5 बजे याद रखना कि मैं आपको वो सारे सवाल कराऊंगा या फिर देखता हूं कल दिन में, जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में पूछे गए, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई ऑप्शन में चेंजेज नहीं, ताकि आपको ये लगेगा कि क्या हम लोग जो पढ़ते हैं वो वाकई में सेटर यही सोचता है या कुछ और सोचता है ना। ठीक है, चलिए आइए देखें जरा सर। अब आज जो 40 सवाल है माय डियर, ये 40 सवाल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये 40 सवाल आपके लिए अगर देखोगे तो जिनमें से एमटीएस और जीडी, क्योंकि अब जो मेजर एग्जाम बचा हुआ एसएससी में यही है, बाकी बात आप देखोगे तो सीबीटी 2 है और फिर ग्रुप डी है, जिनमें से 45 सवाल। क्या बात है भाई, सब कुछ सही है क्या? एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब देखो, एक ऑफर आपके लिए क्या है कि भाई जो 25 अगस्त से बैच चल रहा है ना, एक और बैच शुरू होना है सितंबर, प्रत्येक बुधवार को शुरू हो रहा है बैच। और सबसे बड़ा फीचर, जो नया फीचर अनअकैडमी के पास, जो डाउट क्लियरिंग सेशंस, वो भी कैसा डेडिकेटेड, यानी लाइव क्लास में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट करते रहे तो हमारी नजर नहीं जाती है, मैं देख नहीं पाता हूं, बस आप हैंड रेज करिए और सीधा डायरेक्टर, बिल्कुल डायरेक्ट बात करिए एजुकेटर से कि सर हमें ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा, मतलब बिल्कुल बात करते हुए आप अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। प्राइस हाइक रेलवे एग्जाम्स कमिंग सून, क्योंकि आपको आने वाले समय में रेलवे सीबीटी 2 और ग्रुप डी मेजर एग्जाम है और रेलवे प्राइस हाइक होने वाला है। इससे पहले कि प्राइस, क्योंकि अभी देखोगे तो अभी मात्र 3,500 रुपए में 2 साल का सब्सक्रिप्शन है और एसएससी का जो प्राइस, ये आप देख सकते हो, 1 साल में 3 महीने फ्री, 2 साल में 6 महीने फ्री। आप कोड यूज करिए हमारा, रेफरल कोड बावर्टन, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, है ना भाई। आइए जरा देखिए सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स, निम्नलिखित में से किस देश ने पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की है, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सवाल नंबर 1, जल्दी क्या होगा। जल्दी क्या होगा, जरा सवाल बताइएगा कि साउथ एशियन गेम्स पहले किस देश में खेली गई थी। इंडिया, भारत, इंडिया, भारत, भारत, इंडिया, भारत, अमित सिंह, नेपाल, और कोई है, और कोई है, और कोई है, लग रहा मुझे दूरबीन से देखना पड़ेगा कि नेपाल किसी का है। चंदन जी का कह रहा जवाब नेपाल है, मतलब मुझे दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा नेपाल किसी का है क्या, किसी का नहीं है। अरे भाई जो आप भारत कह रहे हो ना, वो एशियाई गेम्स है, वो एशियन गेम्स है मेरे लाल, एशियन गेम्स है जो आप कह रहे हो ना, एशियन गेम्स है। वो कब? तो पहला एशियन गेम्स 1951 में, दूसरा एशियन गेम्स 1982 में, दोनों के दोनों कहां? दिल्ली में। दोनों के दोनों कहां? दिल्ली में। चालान कट गया। इसे कहते हैं सैप गेम, बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सैप। सैप मतलब वाव, करीना कपूर वाला सैप नहीं, सैप गेम बोलते हैं इसे, ठीक है। हाँ, 2010 में आप कह सकते हो कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ था राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, राष्ट्रमंडल गेम हुआ था, कह सकते हो दिल्ली में, है ना। तो भाई मैं देख रहा था कि बिल्कुल दूरबीन लगा के कहीं नेपाल दिख ही नहीं रहा है, कहीं नेपाल दिख ही नहीं रहा किसी का, सब इंडिया 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 लगाए जा रहे हैं बिल्कुल, है ना। तो याद रखना, एशियन गेम्स अगर होता तो 1951 और 82 में दिल्ली में हुआ है, कॉमनवेल्थ की बात करें तो 2010 में दिल्ली में हुआ है, और सैफ गेम्स यानी साउथ एशियन गेम्स की बात करें तो नेपाल में हुआ है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब ये आपके सामने लिस्ट दे दिया मैंने, आप इंडिया लगाने का शौक है बिल्कुल लगाइए, लेकिन वो तीसरा गेम, तीसरा जो गेम हुआ था ना 1987 में कलकत्ता में, इंडिया में,
पहली बार कब हुआ? 1984 में खेला गया था पहला गेम। पहला गेम 1984 में कहा? काठमांडू में। और इंडिया में खेला गया पहली बार 1987 में, दूसरी बार 1995 में मद्रास में। मद्रास बोले तो चेन्नई, मद्रास बोले तो चेन्नई, ठीक है भाई। तो दूसरी बार आगे देखो 2023 में कहा होगा? पाकिस्तान लाहौर। और फिर इंडिया में दो बार हुआ है, इंडिया में दो बार, तीन बार। फिर 2016 में गुवाहाटी शिलांग। यानी भारत में सैफ गेम कितने बार खेले गए माय डियर? तो भारत में तीन बार खेले गए। कब कब? 2016 गुवाहाटी शिलांग, 1987 कलकत्ता, 1995 मद्रास चेन्नई। क्लियर है? क्लियर? जरा सा थंब दिखा दो अगर क्लियर है तो, ठीक है। 87, 95 और फिर 2016, तीन बार भारत में खेले गए हैं। 2019 में काठमांडू में और 2023 में कहां होगा? लाहौर में, पाकिस्तान। कौन जाएगा? पाकिस्तान। कैंसिल करवा देंगे इसे, भारत ले आएंगे खींच के, है ना, क्योंकि भारत तो जाएगा नहीं। आगे देखो, पेंटिंग दमयंती को किसके द्वारा चित्रित किया गया था? राजा रवि वर्मा, कालिदास, जोहान जोफनी या अवनिंद्रनाथ टैगोर? सवाल नंबर दो जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहानी क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। अब जरा बताओ, पेंटिंग दमयंती को किसके द्वारा चित्रित किया? भैया राजा रवि वर्मा जो केरल के हैं, जो केरल के हैं। कालिदास चित्रकार थे क्या? ना, ये राइटर थे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? भारत का शेक्सपियर कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं, है ना। हे भगवान, अवनिंद्रनाथ टैगोर, का हो दुनिया, इतना गलती देख लो, कितने गलती कर रहे बच्चे। अब ये देखो, हमसा दमयंती भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई सुंदर तेल चित्रकला, देख लो सुंदर कलाकृति, जिसे देश के अग्रणी चित्रकारों में से एक माना जाता है, उनकी कलाकृतियों में लिथोग्राफी का उपयोग किया गया था। यह दमयंती, ठीक है, यह दमयंती। नेक्स्ट की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस आर देश, बी के मुखर्जी, एम पतंजलि शास्त्री, हीरालाल जिकान, हरिलाल जिकान। ये सवाल नंबर 3 जल्दी। हाँ, अवनिंद्रनाथ टैगोर, भारत माँ की जो आकृति देखते हो ना, भारत माँ की जो छवि देखते हो, बहुत शानदार। तो पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें, हरिलाल जी कानू, हरिलाल जी कानू, है ना। अभी कौन है? रमन्ना साहब है। अभी कौन है? रमन्ना साहब है, है ना। तहिर हरिलाल या हीरालाल, जो कि ये हरिलाल है, गलती मत करना। अच्छा जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहली महिला चीफ जस्टिस, फर्स्ट फीमेल सीजीआई कौन रही है? फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रही है? फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जल्दी क्विक। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। भैया कौन है? कोई नहीं है, पक्का लॉक कर दें, सीजीआई नहीं बनी है। अच्छा महिला कौन रही है फिर बता दो। फिर फातिमा बीबी आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल आना चाहिए, मेरे भी दिमाग में आता जब मैं पढ़ता। लेकिन ये सीजीआई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला है, फर्स्ट फीमेल। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अजंता और एलोरा गुफाएं भारत किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान, बिल्कुल तो फातिमा बीबी की बात करें, वो चीफ जस्टिस नहीं थी, याद रखना। अजंता और एलोरा गुफाएं भारत किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अब देखो एक चीज और समझना कि अजंता और एलोरा में एक ऐसा है जो तीन धर्म के लिए फेमस है, ये बहुत बार पूछता है, तो उनमें से कौन है? एलोरा। एलोरा गुफा जो है माय डियर, वो तीन धर्म कौन कौन? तो जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। हिंदू, जैन, बौद्ध, कौन है? एलोरा। कौन है? एलोरा, ठीक है, याद रखना बच्चे। अब जरा बताओ कि 20 रुपये में अजंता की आकृति है या एलोरा की आकृति है? 20 रुपये में जो 20 रुपये का जो नोट है वो अजंता है या एलोरा है? 20 रुपये की जो आकृति है वो अजंता है या एलोरा है? महाराष्ट्र में कहां? औरंगाबाद।
औरंगाबाद। तो 20 रुपए में एलोरा की है। कभी सोचा आपने कि एलोरा क्यों है, अजंता क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि भारत सरकार कभी भी किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता, ये आपको पता है कि इंडिया हैज अ सेकुलर कंट्री। तो इसीलिए ये तीनों धर्म है ना, जैन हिंदू बौद्ध, तो कह नहीं सकते कि भारत किसी धर्म को प्रमोट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ऐतिहासिक स्थल को प्रमोट करता है, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने की स्थितियां क्या होनी चाहिए? O2 की अनुपस्थिति, CO2 की उपस्थिति, पानी की अनुपस्थिति, O2 की उपस्थिति। सवाल नंबर 5, जल्दी। 10 रुपए में जनता, भैया 10 रुपए में कोणार्क, जल्दी। तो आप देखोगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पानी भी मौजूद है, तभी लोहे में जंग लगेंगी, और लोहे में जंग लगना केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन जिससे भार में वृद्धि होगा, भार में वृद्धि होगा, भार में वृद्धि होगा, है ना। नेक्स्ट की बात करें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्थान सही है? पंपास वेनेजुएला, सवाना अफ्रीका, लॉस लनलोस ब्राजील, स्टेपी ग्रीनलैंड। सवाल नंबर 6 क्या होगा, जल्दी, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बहुत शानदार, जल्दी। तो भाई क्या सही होगा, सवाना अफ्रीका। ये क्या गलती है क्या? अब देख लो यहां पे आपके लिए लिस्ट है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना या उरुग्वे, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका बच्चे, और सवाना अफ्रीका में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, सेल्वस साउथ अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप और नॉर्थ नॉर्दर्न एशिया, रशिया कह सकते हैं, टाइगा वन यूरोप और एशिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका, और ठीक है, और लैनोस वेनेजुएला, और पुस्ताज हंगरी, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड। क्लियर है, ये दिख रहा होगा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो बहुत फायदा करेगा ये, ठीक है, बिल्कुल रट्टा मार जाना, बिल्कुल रट्टा मार जाना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 7, जल्दी। है ना, तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था, किनके चालान कटेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। संघ संविधान समिति होता, अगर संघ संविधान समिति होता, संघ संविधान समिति होता, तब हम जवाहरलाल नेहरू कहते, अगर संघ संविधान समिति होता तब हम जवाहरलाल नेहरू कहते, लेकिन माय डियर यहां प्रांतीय संविधान समिति कह रहा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर संघ संविधान समिति होता तब क्या बोलते? जवाहरलाल नेहरू बोलते, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को, जो हमारे प्रस्तावना का एक भाग बना है, यानी आधार बना है, बेस बना है, ठीक है। अब ये आपके लिए सामने कुछ लिस्ट मिल जाए जो आपको प्रॉफिट होगा, प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, ये केंद्रीय संविधान समिति या संघ संविधान समिति जो मैंने अभी पूछा, ये जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है, हाँ, संचालन समिति अध्यक्ष है ना वो, इसलिए संचालन समिति, है ना, क्लियर है भाई, ये आपके सामने। प्रारूप समिति की बात करें तो 7 सदस्य, 7 मेंबर, कितने सदस्य? 7 सदस्य। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल की सेवा की है? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या जवाहरलाल नेहरू? सवाल नंबर 8, सब याद है, मुझे याद ना है बिल्कुल, जल्दी। भाई
किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों की कार्यकाल सेवा की? अटल बिहारी वाजपेयी। अब तो दो सवाल बनेंगे। अगर पूछता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो वो मोरारजी देसाई थी, लेकिन अगर वही सवाल थोड़ा चेंज होगा कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा किया वो अटल बिहारी वाजपेयी, वो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, अगर और चरण सिंह की बात करें तो वो ऐसे प्रधानमंत्री जो एक दिन भी लोकसभा नहीं गए वो चौधरी चरण सिंह, और सबसे ज्यादा दिनों तक गद्दी पर बैठने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, 16 साल, लगभग 16 साल से ऊपर है ना, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, क्लियर ना। एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को हम किस रूप में जानेंगे? वाष्पीकरण, उदासीकरण या सब्लिमेशन कहते हैं, उद्रोपातन या अम्लीकरण? सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, सबसे अधिक बार बजट मुरारजी देसाई, या 2 बार अपने जन्मदिन पर? जल्दी, अरे भाई मुझे याद नहीं है, मैं तो बिल्कुल पढ़ के बताता हूं, बच्चे ने पूछा था सब याद है। उदासीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, क्या बोलेंगे उसे? न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, उदासीकरण बोलेंगे। यानी कहता क्या है कि एक क्षार के साथ एक अम्ल की अभिक्रिया को तटस्थकरण अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट होगा वो एक लवण और पानी है, यानी एसिड और बेस है, लवण और पानी है, देख रहे हो आप, है ना, यानी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? शिलांग, इंदौर, नैनीताल, बैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी सर फास्ट करिए। नीतू कुमारी जी फास्ट पता है कौन करता है? बुमराह, वो फास्ट बॉलर है भाई, हम लोग स्लो बॉलर है, हम लोग फास्ट ना करते हैं, है ना, हम लोग आराम आराम से खेलते हैं, और अगर फास्ट करना है तो आराम से वीडियो खत्म हो जाए, तो बिल्कुल बढ़ा बढ़ा के देखिएगा, फास्ट 5 मिनट में वीडियो खत्म। क्या करना है बढ़ा के, कहीं जाना है, टाइम वाइम दे के आए हो? नहीं ना, आराम से पढ़ो समझो, फास्ट करिए, हे भगवान का हो। बैंगलोर, यानी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहां पे है? बैंगलोर है। कहां माय डियर? बैंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में अपने मुख्यालय के साथ साथ एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, मतलब फंडिंग की जाती है। ठीक है, स्थापना 1971 है, और आप देखोगे तो डायरेक्टर कौन है? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इसके डायरेक्टर, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इसके डायरेक्टर है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ भाई? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर। सवाल नंबर 11, जल्दी बताओ, जल्दी भाई, भारत रत्न क्यों प्राप्त होगा गांधी जी को बताओ? राष्ट्रपिता है, हाँ, 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए, 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए। अब जरा बताइएगा, टाइम्स मैगजीन में गांधी जी फ्रंट पेज पे आए थे तो किस घटना को लेके गांधी जी को टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पे लाया गया था? टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पे गांधी जी को लाया गया था तो किस आंदोलन के कारण गांधी जी को टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पे लाया गया था? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्विक, जल्दी। वाजपेयी जी को 2015 में मिला मदन मोहन मालवीय के साथ में, 2014 में सचिन तेंदुलकर। जल्दी क्या होगा? नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च कह दें, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, जो 12 मार्च 1930 को हुआ था, जो 12 मार्च 1930 को हुआ था, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह है ना, या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, दांडी मार्च देगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका नमक सत्याग्रह देगा कोई प्रॉब्लम नहीं, या सविनय अवज्ञा आंदोलन दे दे, तीनों में से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, लवणता किस ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा है? यानी सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम पर जेंटिन, 1000 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में, या 10000 ग्राम पानी में, 10 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा क्या होगी? जल्दी
तो क्या होगा माय डियर, 1000 ग्राम पानी जो हम निकालते हैं लवणता, वो 1000 ग्राम पानी में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? 1000 ग्राम पानी में निकालते हैं, ठीक है। देवी निसुंभा सुदिनी जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया है? पल्लव ने, गुप्त ने, चोल ने या मुतैयर ने? सवाल नंबर 13, जल्दी क्विक, जल्दी जल्दी भाई, देखो कहीं किसी को जाना होगा तो थोड़ा फास्ट करिए। तो देवी निसुंभा सुदिनी मंदिर है उसका निर्माण कौन किया है? चोल ने किया, जिसकी स्थापना विद्यालय ने की, जिसकी स्थापना विद्यालय ने की, यानी चोल वंश की स्थापना किसने की है? विद्यालय ने किया। किसने किया माय डियर? विद्यालय ने। तो मंदिर का निर्माण 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य के संस्थापक विद्यालय द्वारा किया गया था। विद्यालय पहले कांची के पल्लवों का सामंत थे, 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया। यह देवी निसुंभा सुदिनी, देवी निसुंभा सुदिनी मंदिर को समर्पित है, दुर्गा को समर्पित है, दुर्गा को समर्पित है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को कौन तय करता है? नाबार्ड, एसबीआई, सेबी, आरबीआई। सवाल नंबर 14, याद रखिएगा ये जो लेवल है आपके एमटीएस और जीडी के लेवल है, और इसका फायदा आपको ग्रुप डी और सीबीटी 2 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना सर लेवल बहुत आसान है, भाई एग्जाम हॉल में यही लेवल बहुत हाई हो जाता है। आपको याद होगा सीबीटी 1 में क्वेश्चन के लेवल क्या था, बहुत आसान, कट ऑफ देख लो कितने क्या हुए स्थिति, कितने नेगेटिव करके आए हो। तो कौन तय करेगा? ये आरबीआई। ये क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है। क्या ये? मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति कौन तय करेगा? आरबीआई। और अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी की बात करें, राजकोषीय नीति कौन तय करेगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर या कहें केंद्र सरकार, ठीक है, याद रखना बिल्कुल, ठीक ना। अभी आपके सामने कि भाई रेपो रेट कितना है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। एमएसएफ कितना है? तो 4.25% है। बैंक रेट कितना है? 4.25% है। सीआरआर कितना है? 4% है। एसएलआर कितना? 18% है। ये कई बार पूछता है आपके डायरेक्टली, ठीक है, आपके सामने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? लेस्लो लोविस, एवी विगरसन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 15, जल्दी। तो किसे एबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बोथ गणित का नोबेल है, मैथ का नोबेल, मैथ का नोबेल है, है ना, मैथ का नोबेल। तो अगर आप देखोगे एबेल पुरस्कार की बात करें तो भाई ये देख लो, नॉर्वे द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। कौन देगा? नॉर्वे प्रदान करता है। कौन देगा भाई? नॉर्वे देता है। उत्कृष्ट गणितज्ञों के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। अब जरा कमेंट बॉक्स से बताइएगा, एबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल कौन है? एबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला करेन उलबेक है क्या? करेन उलबेक अगर होंगी तो बिल्कुल लाइक ठोक देना, बटन तोड़ देना बिल्कुल, अगर ना तो जरा बताना कमेंट बॉक्स में। एस आर श्रीनिवासन, एस आर श्रीनिवास वर्धमान एबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। अगर सवाल पूछता है एबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो एस आर श्रीनिवास वर्धमान, जो 2007 में मिला है। भाई राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन को समर्पित 22 दिसंबर और अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, 14 मार्च, ठीक है, समझ में आ गया। इसे जरूर याद कर लेना भैया, नेशनल पूछते हैं, इंटरनेशनल लगाते हो, इंटरनेशनल पूछते हैं नेशनल लगाते हो, माता को जाते हो, गलती हो गया। जनरल में 63 आ रहे हैं बिल्कुल, तो दीपक लगो बिल्कुल सीबीटी 2 के लिए, है ना। आगे, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 1915, 1906, 1916, 1907। सवाल नंबर 16, जल्दी क्विक, जल्दी जल्दी। तो किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया? आप देखो 1907 में सूरत सेशन हुआ था, जो कल मैंने बताया, जिसमें कांग्रेस गरम दल नरम दल में विभाजित हो जाती, बढ़ जाती है। कौन अध्यक्षता करते हैं? रास बिहारी, रास बिहारी घोष।
और लखनऊ पैक्ट, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार। और यहां गांधी जी भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। यहीं पे राजकुमार शुक्ला साहब गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं, दद्दा जरा चलिए चंपारण, बड़ा विकट स्थिति है ना, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है? सुसु डॉल्फिन, कौन सा सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है? भाई नाम जबरदस्त रखा है। झेलम, सिंधु, चिनाब, गंगा, सवाल नंबर 17, जल्दी क्विक। का भाई कमेंट बॉक्स बड़ा सरो चलल बा, तने बढ़ाओ बा। तो सुसु डॉल्फिन भाई कहां पे? गंगा, जिसे गंगा डॉल्फिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गंगा डॉल्फिन कहते हैं। और ये एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव। नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं इसे, राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जो 2009 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या लाया गया था? प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया था माय डियर। अब ये देखो, यहां जरूर देखना है इसे, गंगा नदी की डॉल्फिन, जिसे आमतौर पर सुसु डॉल्फिन, प्लेटनिस्टा डॉल्फिन, गंगेटिका डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में देखने को मिलता है। तो कहां? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में वितरित किया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। एक चीज और याद रखना, पटना में डॉल्फिन केंद्र बनाया गया है। पटना में डॉल्फिन केंद्र बनाया गया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, UITI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय सांपला, संजीव कुमार, सौरव गर्ग, MA गणपति, सवाल नंबर 18, जल्दी। बताओ जल्दी बताओ भाई, UITI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आधार, कौन है? सौरभ गर्ग। किसे? सौरभ गर्ग को किया गया है ना। और आधार में कितने डिजिट होंगे? 12 डिजिट होंगे। क्या होंगे? 12 डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट, पूना पैक्ट 1932, डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अब जरा बताना कमेंट बॉक्स में माय डियर कि पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था, और साथ में डेट भी बताना है। थोड़ा सा तो मेहनत करवाएं आपसे, जरा डेट पूछें क्या है, जरा डेट बताइए क्या, जल्दी 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 क्विक। तो आपको याद होगा कि पूना पैक्ट किसके बीच? डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। डेट क्या होगा जरा बताइएगा, डेट क्या होगा? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। कहां पे? पुणे के सेंट्रल यरवदा जेल में, पुणे के सेंट्रल यरवदा जेल में, ठीक है, पुणे के सेंट्रल यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल आसान सवाल है, दो दिन तीन दिन से पढ़ा रहे हैं इसे। PMO, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नियुक्ति पर कैबिनेट समिति, सवाल नंबर 20, जरा बताइए क्या होगा, जल्दी। तो आप देखोगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और याद रखना कि राज्यपाल रामोकरम पर कभी भी इनका टेन्योर फिक्स नहीं होगा और ना ही इन पर महाभियोग लगेगा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां किस प्रकार के वनस्पति में पाई जाती हैं? मैंग्रोव, टूंड्रा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या कोरल रिफ, सवाल नंबर 21 क्या होगा, जल्दी। काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? ये क्या होगा? टुंड्रा प्रदेश। कहां पे? टुंड्रा प्रदेश, जहां पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होंगे, नमी होगा, ठीक है। और काई और लाइकेन की बात करें तो आपको याद होगा लाइकेन क्या है? एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। और लाइकेन किसके मिलने से बनेगा? तो भैया अलगी और फंगी दोनों के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है, ठीक है, लाइकेन का निर्माण होता है, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, स्वराज पार्टी का गठन कल हमने पढ़ाया था
कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया उसमें सेक्रेटरी कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। आज बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन किसने द्वारा किया गया। तो स्वराज पार्टी का गठन की बात करें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। अब इसमें सचिव कौन है अध्यक्ष कौन है, तो सीआर दास क्या है भाई, ये अध्यक्ष है और मोतीलाल नेहरू क्या है, ये सचिव है। कब किया गया माय डियर, तो 1 जनवरी 1923 को कहां पे, अलाहाबाद में ठीक है, अलाहाबाद में ठीक ना। आगे देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में पूछा है बिल्कुल, कि अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। 93, 73, 85, 86 जल्दी। तो आप देखोगे कि भाई 86वां संविधान संशोधन 2002 ठीक है। अच्छा जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि राइट टू एजुकेशन कब से लागू हुआ है, राइट टू एजुकेशन कब से लागू हुआ माय डियर। और ये सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख अंग था, नारा क्या दिया था, सब पढ़े सब बढ़े ठीक है। आरटीई कब लागू होता जरा बताइएगा, विथ डेट, ईयर से काम नहीं चलेगा, विथ डेट चाहिए मुझे, विथ डेट बताओ कब से, 2010 बताने से काम नहीं चलेगा, आपको डेट बताना पड़ेगा, विथ डेट बताइए, विथ डेट बताओ, 1 अप्रैल 2010 पे ये लागू हुआ है। और एकमात्र शिक्षा एजुकेशन ऐसा वर्ड है जो आपके फंडामेंटल राइट्स, DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज में है। फंडामेंटल राइट्स में 21A, DPSPs में आर्टिकल 45 और फंडामेंटल ड्यूटीज का 11 ड्यूटी, 11वां कर्तव्य है ना, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, टाइगर वन निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, सवाल नंबर 24 जल्दी, देख रहे हो टाइम वेस्ट मत कर, बाप रे बाप, पंकज शर्मा जी इतने बिजी पर्सन, पता है उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी पीएमओ में, उन्होंने कहा सर हम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रोहित सर क्लास करेंगे मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वहां इतने बिजी पर्सन है, टाइम वेस्ट मत कर, लग रहा था ना मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, अरे शर्मा जी थोड़ा सा तो शर्म करो यार, है ना। रूस कौन है भाई, रूस। तो टाइगर वन निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं, रसिया पाए जाते हैं, सब 10 रुपये वाले हैं, सब 10 रुपये वाले बिल्कुल। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, ट्रेंट बोल्ट, जोफ्रा आर्चर, मिशेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, सवाल नंबर 25 जल्दी। बता बच्चे क्या होगा, टाइगर रसिया होगा भैया, ब्राजील क्यों होगा, टाइगर क्यों होगा, टुंड्रा टाइगर सब होगा ऊपर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन है, मिशेल स्टार्क, कौन है, मिशेल स्टार्क ठीक है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं जरा बताइएगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, संसदीय कार्रवाई के उत्तरार्ध का समय, प्रश्नकाल से पहले का समय या संसदीय कार्रवाई के पूर्वार्ध का समय, है ना भाई, थोड़ी सी सांस तो लेने दो, क्या यार मतलब, बताओ क्या होगा, सही कह रही है पूजा जी, ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक मार दिया, नहीं नहीं यार पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो शून्य आर की बात करें, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, ये जनरली दोपहर 12 से 1 होता है। और ये वर्ड जो है शून्यकाल किस देश के संविधान से लिया गया जरा बताइएगा, किसी देश के संविधान से नहीं, ये शब्द मीडिया के द्वारा दिया गया, ये शब्द मीडिया के द्वारा दिया गया ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट टू, पार्ट फाइव, पार्ट फाइव, क्विक जल्दी। 1962 से, बिल्कुल सही है। हाँ, 1962। तो भारतीय संविधान के किस भाग को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं माय डियर? भाग थ्री को। क्यों? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को। क्यों? क्योंकि महान अधिकार मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मतलब महान अधिकार, और भारतीयों को महान अधिकार कहां से मिला है? तो फंडामेंटल राइट से मिला है। ठीक है, फंडामेंटल राइट से मिला। कहां से लिया गया? ये यूएसए से लिया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से 35। और पार्ट फोर में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से। और पार्ट फाइव की बात करें तो हम यूनियन की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सी नदी दो बार भूमध्य रेखा को पार करती है? नील, अमेज़न, कांगो, मिसिसिपी। सवाल नंबर 28 जल्दी। जल्दी पार्ट टू, सिटीजनशिप, बिल्कुल नागरिकता। तो भाई कैंगो, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? कैंगो। तीन ऐसी नदियां हैं जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को दो बार क्रॉस करेगी, यानी तो अब ये देखो, मकर रेखा, मकर रेखा लिम्पोपो, लिम्पोपो, कर्क रेखा माही, और भूमध्य रेखा कैंगो। कैंगो को जायरे भी कहते हैं, कैंगो को जायरे नदी भी कहते हैं, कैंगो को जायरे नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंगो को जायरे नदी भी कहते हैं, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, किस भारतीय शॉट पुटर को एक आउट ऑफ कंपटीशन डोप टेस्ट में असफल होने के लिए 4 साल के निलंबित कर दिया है? भाई असफल हो गया डोप टेस्ट में, तो प्रदीप जगलान, नवीन चिकारा, रवि मिश्रा, कृति मलिक। सवाल नंबर 29 जल्दी। सवाल नंबर 29, तो क्या होगा? नवीन चिकारा, कौन है भाई? नवीन चिकारा को निलंबित कर दिया गया, नवीन चिकारा को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात, द्विवार्षिक मेगा रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। सवाल नंबर 30 जल्दी। अभी आप देखोगे द्विवार्षिक मेगा रक्षा प्रदर्शनी, तो डिफेंस एक्सपो है बोलते हैं इसे, 11वां संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहां किया गया था माय डियर? लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? फजल अली, केलकर, मोंडल या जाकिर हुसैन। सवाल नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, तो किसके नेतृत्व में? फजल अली के नेतृत्व में, फजल अली के नेतृत्व में 1973 में, 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर अलग होने की शुरुआत किया था। किसने? आंध्र प्रदेश ने। यह किससे अलग हुआ था जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। मद्रास से अलग हुआ था क्या? किससे अलग हुआ था भाई? मद्रास से अलग हुआ था क्या? उनमें से कौन सा रेगिस्तान नाइट्रेट के अपने जमा राशि के लिए प्रसिद्ध है? अटाकामा, गोबी, सहारा, थार। सवाल नंबर 32 जल्दी। कौन सा रेगिस्तान नाइट्रेट की अपने जमा राशि के लिए प्रसिद्ध है? अटाकामा, गोबी, सहारा, थार। अगर आप नाइट्रेट की बात करोगे तो ये आपको चिल्ली में देखने को मिलेगा, चिल्ली में। कहां पे? चिल्ली में, यानी साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो अटाकामा है। जो क्या? अटाकामा। गोबी मंगोलिया, ये ठंडा रेगिस्तान है। कैसा? ठंडा रेगिस्तान। ये पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सहारा गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा, हॉटेस्ट में। और थार की बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान में है, ये इंडिया पाकिस्तान में। ठीक है, तो अटाकामा ये कहां देखने को मिलता है? चिल्ली में। कहां देखने को मिलेगा? चिल्ली में। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट,
मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सवाल नंबर 33। हाँ, लागू हुआ 1956 में, लेकिन वो 1953 में ही अलग हो गया था, ठीक है। तो अभी आप देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना को चुना? दूसरा, तो भारत कैसे अर्थव्यवस्था है कई बार पूछता है, तो मिश्रित है। मिश्रित मतलब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी दिखेंगे आपको और प्राइवेट सेक्टर भी दिखेंगे आपको, प्राइवेट सेक्टर भी दिखेंगे आपको, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961। क्यों ऐसा किया? क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई सारे स्टील प्लांट लगे थे, कई सारे स्टील प्लांट लगे थे, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग इंडस्ट्री पे जोर दिया गया, पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया। किस पर? एग्रीकल्चर पर। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956 है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्तों में से किसने नेपाल और सूडान में, नेपाल और सूडान में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है? सुकुमार सेन, केवीके सुंदरम, सी एस पी सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह है ना, नागेंद्र सिंह क्या होगा? जल्दी क्या होगा माय डियर? सुकुमार सेन। क्या है? सुकुमार सेन, जो पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के, जो पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के, पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, है ना। ये नेपाल और सूडान में भी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा देश कॉमनवेल्थ परिवार का 54वां सदस्य बना? श्रीलंका, इराक, ईरान, मालदीव, सवाल नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा देश कॉमनवेल्थ परिवार का 54वां सदस्य बना है? श्रीलंका, इराक, ईरान, मालदीव, क्या होगा? तो कौन बना माय डियर? मालदीव। कौन बना? मालदीव बना, है ना, कौन बना है? मालदीव बना, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा पहला मानव निर्मित फाइबर या रेशम है? रीजेनरेटेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, या कोई नहीं, सवाल नंबर 36। बताइए, ये तो आपने देखा होगा सवाल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ और होंगे, जरा बताइए क्या होगा? रीजेनरेटेड, सिंथेटिक, नेचुरल, या फिर कोई नहीं, सवाल नंबर 36। क्विक, क्या होगा सवाल नंबर 36 माय डियर? क्या होगा ये? देखो तो, रीजेनरेटेड फाइबर, रीजेनरेटेड फाइबर, सब सिंथेटिक लगाएंगे, बिल्कुल लगाना भी चाहिए, सब सिंथेटिक लगाएंगे, लगाना भी चाहिए। आइए देखें जरा भाई, मानव निर्मित फाइबर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंथेटिक फाइबर और रीजेनरेटेड यानी पुनर्जीवित फाइबर। 1892 में विस्कोस रेयान और 1918 में सेलुलोज एसिटेट जैसे पुनर्जीवित फाइबर का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार का फाइबर हम तैयार करते हैं सेलुलोज या लकड़ी के गुद्दे से, ठीक है, ठीक है भाई। तो पहला क्या होगा? रीजेनरेटेड, याद रखना बिल्कुल। राजस्थान का निम्नलिखित वार्षिक मेला अपने ऊंट व्यापार कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला, सूरजकुंड मेला, सवाल नंबर 37। जल्दी सर, क्लास बोरिंग है। हाँ बेटा, आप कल से डांस लगवाएंगे, है ना, ताकि आपको बिल्कुल मजा आए, और साथ में ना अपने पप्पा को भी बैठा लेना कि पापा क्लास बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, क्या करें? अरे यार, यहाँ पढ़ाई हो रहा है, डांस ना होता बिल्कुल, है ना। डांस करूँ क्या या डांस करोगे? ऐसे ही बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता बिल्कुल, मजा चाहिए उनको। पुष्कर मेला जो कहाँ? राजस्थान में। कुंभ मेला चार स्थानों में होगा, सोनपुर मेला बिहार, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, और सूरजकुंड मेला ये क्राफ्ट मेला, ये क्राफ्ट मेला है ना, ये क्राफ्ट मेला, उसको मजा चाहिए। बताओ, बोरिंग लग रहा है सर, कपिल शर्मा का शो लगा दो। तो बेटा एक काम करो, घर वालों को बोलो शादी वादी कर दे तुम्हारे, है ना, मन लगा रहेगा बिल्कुल। पुष्कर मेला बच्चे। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से आईडीबीआई का पुनर्गठन और अलग हो गया था? 1972, 1974, 1976, 1980, सवाल नंबर 38। देख लो, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बताओ क्या किया जाए उनका। हाँ?
किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से आरडीबीआई का पुनर्गठन और अलग हो गया भाई? 1976 में, 1976। एक चीज और याद रखिएगा, 1969 में पहली बार नेशनलाइज किया गया बैंक, पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, कितने बैंक को? 14 बैंक को। और फिर 1980 में दूसरी बार 6 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कई बार आएगा जब सवाल पूछेगा कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आप 6 लगाना, और पहली बार जो 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है भाई, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन स्थित है कहां पे? राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सवाल नंबर 39, बेटा यही उम्र है, पढ़ लो, पढ़ लोगे, लाइफ में कुछ कर लोगे, क्योंकि 2022 से जब सीटी आएगा ना, तो बिल्कुल सामने बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाएगी इंग्लिश पढ़ना, अभी आप बातें समझ नहीं रहे हो। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें, हरियाणा। अभी तो मजे मजे में पढ़ रहे, तो भाई रेलवे में इंग्लिश ना है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1946, 1948, 1950, 1956। सवाल नंबर 40, बताइए क्या होगा? क्राफ्ट मेला बोलते हैं हस्तशिल्प, हाथ से बना के मेला, वो फरीदाबाद हरियाणा में होता है, सूरजकुंड में। तो दामोदर घाटी निगम की बात करें 1948 में, 1948 में ये यूएसए के टेंसी, यूएसए, यूएस के टेनेसी प्रोजेक्ट, टेनेसी प्रोजेक्ट पर आधारित है। ठीक है, क्यों बनाया गया? क्योंकि दामोदर को बंगाल का शोक बोलते हैं, और आज स्थिति है कि दामोदर पर 8 डैम बनाए गए हैं, जो ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। ये छोटा रामपुर पठार से निकलेगी और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी, बंगाल चली जाएगी। ठीक है भाई, याद रखना, ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी है? ये हुगली की सहायक नदी है। ठीक है ना, ये था आज का सेशन। आई होप सो गाइस, मजा आया होगा पढ़ने वाले बच्चों को, और नहीं पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ पे कुछ भी पढ़ा दो, कभी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और लाइक करके जाना। देखो, अब ये प्राइस हाइक रेलवे एग्जाम आने वाले समय में, रेलवे CBT 2 और ग्रुप डी बहुत बड़ा मेजर एग्जाम, और प्राइस हाइक होगा, अभी बहुत कम है, 50% प्राइस कर दिया गया है रेलवे का। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, और SSC 1 साल 3 साल देख सकते हो आप आपके सामने, 1 साल में 3 महीने, 2 साल में 6 महीने, और 3 साल ये, यानी 2 साल का पैसा देना है, 3 साल पढ़ना है। तो किसके लिए? CET प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये कमिंग सून दिखेगा आपको, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है भाई, प्राइस हाइक होने वाला किसका? रेलवे का। क्या करना है? बाबा 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक के जाना। अभी क्लास आपके अकेडमी पे 6:05 पे, जिसमें करंट अफेयर देखेंगे जून का पार्ट 3। ठीक है, मिलते हैं फिर नए समय पे, यानी कल